वक्त निकालना पड़ता है ऐसी खूबसूरत घटनाओं के लिए। बड़ी खूबसूरत घटना घटने जा रही है, मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पहली मर्तबा होने जा रहा है और आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है, शुरुआत है। तो हमारे मित्र हिमांशु झुनझुनवाला, उन्होंने बोला कि आना है, मैंने कहा मैं आता हूँ, मैं शूटिंग से फिर वक्त निकाल के मैंने कहा चाहे 10 मिनट के लिए आऊँगा आऊँगा शुभकामनाएं देने के लिए। तो मेरी अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। शुरुआत है और इनकी शुरुआत रंग लाए और ये बहुत बड़ा इवेंट बन जाए आने वाले समय में। हार्दिक शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस। सर, मेघालय जो है ये मिनी स्विट्जरलैंड है, मिनी भी नहीं कह सकते, स्विट्जरलैंड से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर है। तो फेस्टिवल्स जो होते हैं ये स्टेट को कंट्री को प्रमोट करने के लिए होते हैं, और फिल्म फेस्टिवल का मतलब ये है कि कुछ नवी शुरुआत नहीं, जैसे कमांडर ने बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी सलमान की वगैरह हो चुकी है, अभी यहाँ पे कर्टन रेजर है। और जो 14 से 18 तारीख जो मेघालय में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, और इसमें इंडो यूरोप चैम्बर बिजनेस काउंसिल जो है जिसका प्रेजेंस मोर देन 100 कंट्रीज़ में है, वो इन साथ में पार्टनर बना है, एसोसिएशन हुई है, और हम साथ में आगे बढ़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड से और यहाँ से कॉर्पोरेट लेवल के लोग मेघालय जाएं और इसको अच्छा प्रमोट करें और अच्छे लेवल पे लेके आएँ। सर, दिस इज़ द फर्स्ट एवर मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विच इज़ विच विल हैपन ऑन द 14 to 18 of March। वी विल बी स्क्रीनिंग अराउंड 70 फिल्म, इंक्लूडिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म, द फिल्म द बॉलीवुड फिल्म, the regional film like from Northeast, and then even Khasi movie we will screen during this 5 days of the festival. And yes, during the festival we will also have the interaction and even the student exchange program, not just watching movies, but in this event we will also we want the student like from Meghalaya and even from abroad and from Northeast to interact about, to talk about the culture, talk about film, talk about, interact with the famous film producer who himself will be like few producer and director whom we will be screening the film. They will come and attend and they will get to interact with them. So that's the all about the Meghalaya International Film Festival. And we are so glad that the government of Meghalaya has shown us initiative. At the very beginning, the government doesn't know that we even exist. The government has declared that filmmaking as an industry, but the government has done nothing to date. But during this, but because of this new present government, we have got this chance to bring the International Film Festival in Meghalaya, and it is a very proud moment for all of us here. The founder of AVK OTT, we work on the cultural space, and I think this is a great opportunity for us in terms of getting associated with Meghalaya International Film Festival to promote local cultures. You know, the creative industry is an industry which can cater to the audience the best way, where we can talk about the local essence, not just in the cinematic way, but also talking about their cultures, their hospitality. Mr. Kamandir has spoken so much about it. So this is a wonderful way to connect with the audience, and I think this is something needs to be taken up to the next level. And we are so much looking forward to it, as Mr. Rajiv Anand हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि दिस मेघालय फिल्म फेस्टिवल गोइंग टू हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या 14 से शुरू होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम मेघालय में होने वाला है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, टूरिज्म प्लेस है, आई वुड लव टू गो ओवर देयर। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू मेघालय पीपल एंड ऑल द टीम मेंबर्स, जूरी मेंबर्स, कि वहाँ पे पहली बार फिल्म फेस्टिवल दिखाया जा रहा है। काश मैं भी जा सकती थी वहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो आपकी फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हाँ, तो हम लोग इस बार तो शायद एंट्री नहीं होगी हमारी, क्योंकि मेरी फिल्म में राज कपूर हो गया रनिंग सक्सेसफुल इन थिएटर्स, यू नो दैट, और सेकेंड वीक चल रहा है और भगवान ने अच्छा साथ दिया है कि 2-4 दिन से तो हाउसफुल ही चल रहा है वो। और मैं ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में मैं भेजूंगा अपनी फिल्म, बिकॉज मेरी फिल्म का फ्लेवर भी वही है जो कॉमन मैन की कहानी है। तो अभी फिल्म फेस्टिवल ये जो हो रहे हैं
जितने भी और जो मेघालय पहली बार होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए क्योंकि वहाँ के लोग कई बार बाहर के फिल्म फेस्टिवल नहीं देख पाते या वो फिल्में नहीं देख पाते जो इंटरनेशनल लेवल पर बनती हैं। और फिल्म फेस्टिवल क्योंकि ऐसी फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर कि जिन फिल्मों को आप थिएटर नहीं मिलते, जिन फिल्मों को के बारे में आपको पता नहीं होता, एटलीस्ट आप फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं और उन फिल्मों को देख पाते हैं। तो ऐसे फिल्म फेस्टिवल मेरे हिसाब से होने चाहिए और वो एज ए डायरेक्टर मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं ऐसे फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू। नमस्ते, मैं एकता जैन, अर्चना जैन और हम मेघालय फिल्म फेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि वो ऐसी तरह अच्छे अच्छे फिल्म दिखाएं, वो अच्छी अच्छी लोकेशन है वहाँ पर, हम डेफिनेटली वहाँ एक बार जाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत है, जैसे नाम है मेघालय, जैसे हम होते हैं देवालय कहते हैं जहाँ पे देव रहते हैं, हमारे जो मंदिरों को देवालय कहते हैं, वैसे ये मेघ है जहाँ मेघ रहते हैं वो मेघालय। अगर किसी को भी पूछा जाए तो कौन नहीं चाहेगा कि बादलों के अंदर रहा जाए। बहुत सुंदर खूबसूरत लोकेशन हमने देखी, बहुत अच्छा लगा। एंड वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विच दे हैव गॉट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ शाइनिंग, तो मेघालय या हिमाचल या जो भी ये टूरिस्ट प्लेस हैं, यहाँ ये सब चीज़ें टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हो रही हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेघालय फिल्म फेस्टिवल जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है शिलोंग में 14 मार्च को, तो मैं तो ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हर साल ये फिल्म फेस्टिवल हो। और वहाँ जिन लोगों ने उसकी खूबसूरती को नहीं देखा मेघालय शिलोंग, मैं तो गया हूँ और मैंने हमेशा बहुत वहाँ बहुत अच्छा लगता है जाके, तो आप लोग भी आएंगे और मेघालय की खूबसूरती को देखेंगे। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट मेघालय फिल्म फेस्टिवल शिलोंग ऑन 14 मार्च। अट्रैक्ट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया, क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली बहुत अच्छी एक स्टेप है जो हमारे मेघालय की टीम ने लिया है and we're really looking forward to the entire people from not just from the country, international bhi hai, abhi to kafi aa rahe hain, so we are really looking forward to the positive of the people as well as of all the filmmakers. aaj yahan pe bhi mumbai pe aake bahut acha laga, like I belong to mumbai only kyunki mera up and going chalta rehta hai because most of my works are based in mumbai for my central film line, to jitne bhi bollywood ke main karta hu yahan pe yahi pe hota hai aur main regional bhi kar raha hu, jitne bhi main north east ke films hai wahan pe bhi kar raha hu. So it's a good program for today. I felt very successful and thank you to the entire media people. आप लोग ही है जो ये आवाज़ और पहुँचाएंगे जनरल पब्लिक को, सो दैट द पीपल कैन कम टू मेघालय। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल स्टेट, यू कैन कम एंड विजिट द मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दैट्स हैपनिंग एंड आई बिलीव यू विल डेफिनेटली लव इट एंड स्प्रेड द मोर लव एंड इफेक्टिव ऑफ द मीडिया एंड द यू नो द एंटायर फिल्म पीपल ऑफ द स्टेट। थैंक यू सो मच।